अरे चुप हो जाओ भैया, हेलो चुप हो जाओ, ना मिला हो तो जवाब देता हूँ किरण बेदी का। ऑडियो ऑडियो ले लीजिए, ऑडियो ले लीजिए, फोन पे ले लो ऑडियो। आई कांट शाउट, बोलिए ऑडियो ले लीजिए। हाँ जी मैम, बोलिए जी मैम बताएं। आई वांट टू बिगिन बाय थैंकिंग द बीपी लीडरशिप। आई वांट टू थैंक द भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप व्हिच इंस्पायर्ड मी टू जॉइन एंड टेक अप द चेयर सीएम कैंडिडेचर। आई वांट टू थैंक देम, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट दे पोज्ड इन मी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं पहली बार आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे से एक रुपया भी नहीं लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, एक रुपया नहीं मेरे से लिया, मुझे जैसी थी वैसे लिया। ये एक रेयर इतिहास है कि एक पार्टी आपको कैंडिडेचर देती है और आपसे एक रुपया भी नहीं मांगती है। सो इसलिए जिस तरीके का विश्वास और इज्जत और मान और एक्सेप्टेंस मुझे लीडरशिप से, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और तमाम दिल्ली के प्रदेश की लीडरशिप से और तमाम कार्यकर्ताओं से, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकती। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने कबूल किया, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि मैं एक ओपन बुक हूं। तो हार के बाद आप किरण बेदी को सुन रहे थे, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी और वो अपने नेता यानी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हुए उनसे कुछ भी नहीं लिया। हम कुछ ही देर में फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन ताज़ा खबर यही है कि कृष्णानगर सीट जो कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, जहाँ पर हर्षवर्धन कभी नहीं हारे, वहाँ उस सीट से किरण बेदी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हार गई हैं और प्रेस से बातचीत करते हुए वो जनता का धन्यवाद। अमृता, आई फाइंड इट क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली दैट शी सेड व्हाट शी सेड, दैट शी सेड दैट यू नो द पार्टी डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम मी। ओम तन्वी जी, हाउ डू यू लुक एट दिस, यू नो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से? डज शी थिंक दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, यू नो, व्हेन दे गिव टिकट्स टू पीपल दे टेक मनी फ्रॉम देम? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? वन बाय वन शी हैज बीन गिविंग रिडिकुलस स्टेटमेंट्स, यू नो, बट दिस स्टेटमेंट शी हैज मेनी टाइम्स शी हैज सेड दैट दे डिडंट आस्क मी, they can't ask, you know, they have enough money. If you see the newspapers, the campaign thing. No. I think the point that Girish is trying to make is that a person who you wanted to be the chief minister of your capital city state is making a statement where she is saying, she is suggesting that every candidate pays money and she didn't get a ticket. I mean that's an absurd statement. And nothing was asked from her. So it only goes to just, it keeps reiterating to what I mean BJP couldn't have gotten worse than this in making it difficult. We are now joined in by a new guest, Professor Pushpesh Pant, the political analyst, former professor in the JNU. Professor Pant, you just saw the the brief press conference of Kiran Bedi and the statement which she made. How do you look at this? My life very difficult for me because I have never been a great fan of Kiran Bedi. I think she is known for making ridiculous statements which are narcissistic, egoistic. ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम आपके पास लौटेंगे, किरण बेदी के पास चलते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब मैं इतने सारे रोड शोज कर रही थी, आपको मैंने कल बताए थे कई सौ रोड शोज किए, 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक मैं पहुंची, कई सौ वार्ड तक पहुंची, कितने रोड शोज किए उसका फिगर मैं आपको कल दे चुकी। मुझे एक्सेप्टेंस मिली, मुझे इज्जत मिली, मुझे मान मिला, मुझे बहुत शोर मिला। उसमें तो आप मीडिया के भी लोग नहीं थे। जब तक मेरे रोड शोज चलते रहते थे, महिलाएं, पुरुष, उम्र के गरीब बच्चे, छोटे बच्चे रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे सिर्फ मुझे ऐसे करने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए, या मुझे हार पहनने के लिए, या मुझे शॉल पहनने के लिए 12 बजे तक जागे। मैं उन सब का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे लिए वोट किया या नहीं किया, आप मेरे लिए जागते रहे, रोड शोज में बैठे रहे, हमें आपने इज्जत और मान दिया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे,
और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया, वोट किया नहीं किया मैं फिर से कहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है लीडरशिप का दृढ़ निश्चय कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। ये जो अर्बन रिच और अर्बन पुअर का गैप खत्म करेगी और अर्बन पुअर को अब मकान देगी, खूब मकान देगी, स्कूल देगी, चिकित्सा देगी, काम देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सफाई देगी। बहुत गंदगी देखी मैंने, बहुत गंदगी देखी साथियों। मैं कह ही रही थी, मैं अभी तक आपको इसलिए वेट कराया कि मैं वेट करना चाहती थी कि कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रिजल्ट आ जाए। मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी। क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद में कि कृष्णनगर अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहला महीना तो मुझे कृष्णनगर की सिर्फ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ अभियान चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई बगीचा नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई बगीचा नहीं है सफाई का जिसमें बच्चे खेल सके, कोई मुझे झुग्गी साफ नहीं मिली, कोई एरिया सिवाय कुछ लिमिटेड एरिया जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कुछ कॉलोनीज है, रेस्ट वर ऑल डर्टी। मैं हैरान हूं कि लोग क्या क्या करते होंगे अपनी तंदुरुस्ती से। सो साथियों, मैं कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ। किरण जी, हर कार्य कर मुझे बोलने दीजिए, शायद आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी। मैं एक मॉडल लाने वाली थी कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक मॉडल लाने वाली थी, मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है और हम लोग कंपनीज और सीएसआर को लाके पहले सफाई अभियान करें, क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियां पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी। तो मैं ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और फिर कैन आई हैव सम वाटर? यस। प्लीज, I'm a defeated candidate today. जो जीते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना, मैं दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ, कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी दैट दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। ये पूरे नंबर वाली बात है, पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए, लेकिन मैं आपको अरविंद के बारे और आपके बारे ये कहूंगी कि ये अरविंद का एक दो साल का नहीं था, ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं ये 5 साल की मेहनत है, अरविंद की 5 साल की मेहनत है। क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे, ये 5 साल का उसका एक एक दिन का अनथक काम है, अनथक, और वो अर्बन पुअर तक जा चुका था। क्योंकि जब हमने उस वक्त आवाज लगाई थी लोकपाल के लिए, स्ट्रॉन्ग लोकपाल के लिए, यही व्यक्ति आकर बिना कुछ बुलाए ये उमड़ के आ रहे थे। सो अरविंद की जो आज जीत हुई है उसकी 5 साल की अनथक और उसके कार्यकर्ताओं की अनथक मदद है। क्योंकि ये कैंपेन शुरू हुई थी अक्टूबर 2010 में, आज है फरवरी 2015, सो 4.5 साल की मेहनत है। उसकी बुनियाद जब रखी गई थी उस वक्त ये थी, ये अर्बन पुअर के साथ जुड़ा, क्योंकि अर्बन पुअर सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसको जब गरीबी आती है, जब ये करप्शन आती है सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके स्कूल खींचते हैं, उसकी चिकित्सा जाती है, उसकी सड़क लुटती है, उसके यहाँ सफाई नहीं होती है, उसकी महिला इसमें सिक्योरिटी गड़बड़ होती है, क्योंकि जब करप्शन होती है सारा सिस्टम टूट जाता है और वही पैसा गरीब का अमीर के पास ज्यादा जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, उसकी सड़कें डबल डबल कारपेट होती हैं और गरीब के लिए सड़क भी नहीं बचती। तो करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान ये अर्बन पुअर को है। तो जब हमने एंटी करप्शन मूवमेंट हमने उठाई थी तब ये अर्बन पुअर हमसे ज्यादा जुड़ा था, क्योंकि वो समझता था कि उसका नुकसान है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद की लीडरशिप, अरविंद की टीम,
अरविंद की टीम अब दिल्ली को, खासकर गरीब को, खासकर अर्बन पुअर को वो सारी सुविधाएं दे जो उसने प्रॉमिस किया है, और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि दिल्ली में बड़ी चीजों की कमी है। 16 साल का की डेप्रिवेशन है, और मैं बार बार आपको मीडिया में भी कहती थी कि जो भी जीत के आएगा दिल्ली में, मैं जीत के आऊं या ऑपोजिशन, 24 घंटे नहीं होगा एक दिन में, उसको 2400 घंटे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जबरदस्त कमी है, उसके पास दिल्ली में साधनों की भी कमी है। हमको कैसे साधन जुटाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कन्फ्रंटेशन अप्रोच नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन अप्रोच चलेगी, धरने की नीति से नहीं चलेगी, अब गवर्नेंस से चलेगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति वेट करेगा कि अब मुझे क्या मिला। नौजवान मांगेगा काम, नौजवान मांगेगा ट्रेनिंग, महिला मांगेगी सुरक्षा, महिला मांगेगी चिकित्सा, हर बच्चा मांगेगा अच्छा स्कूल, बच्चा मांगेगा पूरे टीचर्स, और वो सफाई मांगेगा, मैं समझती हूँ, और विकास मांगेगा। अब किस और कितनी जल्दी, और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिल्ली में और इंक्रोचमेंट बंद कर देना, दिल्ली में अब इंक्रोचमेंट बंद कर देना। हर जॉब जो बस चुका है उसका पूरा सर्वे डिक्लेयर करें, आज डिक्लेयर करें कितने करोड़ बस चुके हैं इन इन झुग्गियों में जहां उनके मकान बनने हैं, कम से कम उसका नंबर और देकर ना जाए। 5 साल बाद जब अपनी सरकार जाए तो कम से कम ये ना कहे, मान लीजिए 10 करोड़ झुग्गियां हैं तो मैं 15 करोड़ छोड़ के जा रहा हूं, आज से नई झुग्गी बंद। जब तक हम आज से नई झुग्गी बंद नहीं करेंगे कहां से विकास के लाएंगे। तो इसलिए जिनके पास है, इसका मतलब मैं कह रही हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इलेक्टेड लोकल एमएलए का, लोकल पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि अब नई इंक्रोचमेंट ना आए, कम से कम जो जमीन बची है उसको तो बचा लो, क्योंकि उधर स्कूल बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने, कार्यालय बनने, बहुत कुछ इंडस्ट्री लगनी है, विकास होना है। तो मैं यही कहूंगी अब आज की सरकार का, जब नई सरकार आएगी इमीडिएटली विद इन अ मंथ डिक्लेयर करे कितनी झुग्गियां हैं, कितनी झुग्गियां हैं और कितनी जमीन है, इसको मैपिंग कर ली जाए, इसकी मूवी खींच ली जाए, ताकि और इंक्रोचमेंट ना शुरू हो। ये ना हो एक तरफ झुग्गी के मकान बनते जाए और दूसरी तरफ और झुग्गियां तैयार होती जाए, और फिर नई सरकार के लिए, चाहे उन्हीं की सरकार आए या दूसरी सरकार, उनके लिए एक नई चुनौती छोड़ के जाए। मैं समझती हूँ ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैम, व्हाई डू यू थिंक यू लॉस्ट? आई हैव नॉट लॉस्ट द बीजेपी। आई हैवंट लॉस्ट। व्हाई हैज द बीजेपी, एज आई सेड, आई हैवंट लॉस्ट। ओके, व्हाई डू यू थिंक द बीजेपी हैज? आई थिंक लेट द बीजेपी इंट्रोस्पेक्ट, they are a very interesting national cadre based party and they will assess for themselves, they will they haven't done the candidate. Can I just answer one question and don't cut me through? The point is I haven't lost, I gave it all my best, I would lose if I wouldn't give anything my best. Two, BJP is a party's loss, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost, and I'm integral part of the BJP. You will get to know. Second question. क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाए, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप ने हार नहीं मानी है, तो आपने अपना बेस्ट दिया। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। अच्छा, आप किरण बेदी को सुन रहे थे, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हार के बाद वो मीडिया से बातचीत कर रही थी, और वो कह रही थी कि जनता ने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो, कबूल किया हो या ना कबूल किया हो, लेकिन वो शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने 2 से 3 बार पानी जरूर पिए और केजरीवाल को बधाइयां भी दी। ओके, we are now joined in by two new guests, Professor Pushpesh Pant, who was with us, and Sanjay Singh, who is also joined us. Professor Pant, you were commenting about the press conference. Now it's become more interesting after that break, which we took to listen to Kiran Bedi. She says that it's not her, she has not lost, the party has lost. Look, Girish, I think that is what I find very amusing about Kiran Bedi, and I'm not a great fan, as I was entering a caveat before responding to you. I think this lady is so obsessed and narcissistic and ridiculous that, and megalomaniac in pursuit of power. She repeatedly said things which are beyond all logical explanation. She is putting herself in the mold of Porus and Alexander, ki jeet haar mein bhi meri jeet hai, I have lost but I have won. And repeatedly, once she said I am an integral part of BJP, otherwise she used the word they for BJP, yes, already distancing herself from the BJP, and also went back to the nostalgically to the days when she was part of the Anna movement and so on. The interesting part is that, as you are pointing out, ki wo beech beech
बीच में पानी पी रही थी, वो तो पानी पी के बधाई देने के अंदाज में लोगों को कोस रही थी, मगर हम इंतजार ये कर रहे थे कि हम कब पानी मांग लेंगे। इट इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वॉज अ रिडिकुलस टिरेड। नाउ द वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड ब्रीफली बिफोर आई कंक्लूड इन माई दिस एंटी किरण टिरेड, वो हिंदी में कहते हैं पड़े पे दौलत वाली बात नहीं है, बट दिस लेडी सेड कि मैं जागती रही और ये सब करती रही, तो दिल्ली के लोग जाग जाग के ये इंतजार कर रहे थे कि कहीं ये मुख्यमंत्री न बने। आज वो चैन की नींद सोएंगे अब इस देश में। जी उन्होंने हालांकि धन्यवाद दिया था कि जो लोगों ने रात रात भर उनके लिए जागा और अपना समर्थन दिया उसको वो धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन आपका अपना कमेंट है। हमारे साथ बीजेपी के नेता उदित राज इस वक्त जुड़ रहे हैं। उदित जी, अभी किरण बेदी कह रही थी कि जनता ने कबूल नहीं किया, हालांकि वो फिर भी धन्यवाद देना चाहती हैं। क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी को जनता ने, दिल्ली की जनता ने कबूल नहीं किया? देखिए तो ये बात है, लेकिन तमाम जो और भी तमाम चीजें हैं जो नहीं समय दिख रही हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स हाई है और जीत का जो माहौल है बना हुआ है। आप, तो आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज है जो आप इस समय दिखाना चाहते हैं जो नहीं दिखाई दे रही है दूसरों को? मैं, मुझे तो बता, बोलने दीजिए तभी तो मैं कहूंगा आपको कि जैसे बहुजन समाज पार्टी को 2008 में 14% वोट मिला, कांग्रेस का वोट आप परसेंटेज हाई हुआ करता था, ये दोनों वोट चले गए आम आदमी पार्टी का, तो उनका वोट आप परसेंटेज हाई हो गया, हमारा वोट आप परसेंटेज तकरीबन उतना ही रह गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मतलब इतना फर्क नहीं है जितना दिख रहा है। दूसरी बात है कि हम मंथन करेंगे कि आप 33 सीटों पर आ रहे हैं, आप भले ही वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क ना आया हो, लेकिन 33 सीटों से लेकर आप 5 सीटों पर सिमट रहे हैं। देखिए ऐसा, वो तो सच्चाई है, सामने दिख रहा है, वो तो दिस इज द फैक्ट, तो सिमट तो रहे ही है। पहले हमारी 32 सीटें थी, 32 सीटें से सीटें बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई हैं, एंड वी विल इंट्रोस्पेक्ट इन आवर सेल्फ, दे विल देन फाइंड इट आउट व्हाट वर द कॉजेज क्या थे, कारण क्या थे, लेकिन बट अदर कॉजेज आर आल्सो देयर व्हिच वर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लाइक दैट बहुजन समाज पार्टी वोट शिफ्टेड टुवर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स कांग्रेस आल्सो कुड नॉट रिटेन इट्स बैशन, तो वोट पैशन लोग अपना नहीं कर पाए, तो वो भी एक बहुत वन ऑफ द मेन रीजन जिसको लोग इस समय नहीं देख पा रहे हैं, बट दैट आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। वी नाउ हैव चंदन मित्रा द बीजेपी एमपी आल्सो ऑन। आप चंदन मित्रा के पास जाएं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूंगी। बीएसपी का जिक्र कर रहे थे अभी उदित राज, बीएसपी एक वक्त में 14% वोट हासिल कर रही थी और आज उसकी स्थिति 1.5% पे आके अटक गई है। सो बीजेपी बीएसपी हैज लॉस्ट इट्स, वर्चुअली सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स बेस इन दिल्ली। संजय, yeah, BSP in last election, last parliamentary election, sorry, assembly elections also, BSP vote substantially had shifted to AAP. In fact, if you look at it, Dalit parties, Dalit constituent, social constituent were first to move to AAP, and they are a very stable and conscious voters, I think, and the manner in which Kejriwal has reached out to them, Modi in fact went to Balmiki Colony and picked up the broom for Swachh Bharat, right, ironically, right. It has gone in a different direction. That is again very interesting. I was hearing Kiran Bedi one short comment, sure. And there she was saying ki wo Krishna Nagar mein Sikund si saaf gali and har ganda ganda tha, and virtually condemned that particular, she has been doing this since last 2-3 weeks particular constituency. I know for the fact that so many BJP workers out there who had worked consistently since I don't know how many years and have been sending Harshvardhan, and that constituency has been Harshvardhan for last 20 years, precisely, they all had virtually rebuilt. Yes. And today when you are condemning all these things, the impact that would have on BJP workers, and today many would be celebrating that it's not only the BJP, Kiran Bedi as chief ministerial candidate has costed so heavily to the BJP. Ab iske baad Kiran Bedi ka kya hoga, BJP unko retain karegi ya bahar ka rasta dikha degi? Dekhiye ab Kiran Bedi hain bhi aur nahi bhi hain, hain इस सेंस में कि पार्टी में है, वो कह रही है कि पार्टी में बने रहेंगे, नहीं है इस सेंस में कि विधानसभा का चुनाव हार गई, जो उन्होंने
कृष्णा नगर के बारे में कहा है, वहां जाएंगे तो वहां एक कार्यकर्ता भी उनको मिलने को राजी नहीं होगा, उनकी किसी और तरह से उपयोगिता हो सकती है एज कैंपेनर, तो पार्टी उन्हें कहीं वो प्रस्तुत नहीं करेगी। हाँ, किसी सेमिनार सिंपोजियम में अगर वो जाएंगी तो दो अच्छी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए किसी यूज में होंगी? देखिए, डे वन से बीजेपी की हार का एक बहुत बड़ा कारण है कि डिस्कनेक्ट जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का था और जो पार्टी का था वो इतना बड़ा था। और ये मतलब अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम के लोग जब कहते थे कि आगे आगे देखिए, किरण बेदी को तो अभी बनाया है, आगे देखिएगा क्या होता है, तो शायद ये वाली जो उनकी मानसिकता है जिसे बीजेपी के लोग परिचित नहीं थे, वो शायद परिचित थे और सही बोल रहे थे। जी, ओम थानवी जी। मैं असल में एक किसी चैनल पे गया था तो वहाँ पे शाहनवाज हुसैन भी थे सामने, तो मैंने उनसे पूछा था कि किरण बेदी जो है, अगर वो आपकी पार्टी आ रही है पर अब नेतृत्व जो है जो सौंपा था नरेंद्र मोदी जी ने उनको, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? उनको उनकी हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जवाब गंभीरता से दिया गया है तो नरेंद्र मोदी जी ने तो सत्ता में आने के बाद अपने लिए 10 साल मांगे कि भाइयों और बहनों मुझे 10 साल दीजिए, 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर किरण बेदी नेतृत्व करती हैं और इस तरह के विचार रखते हुए जिस विधानसभा क्षेत्र से अभी अभी चुनाव लड़ा है और वहां पे उसको गंदा बताती हैं या जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, मेरे ख्याल में वो राजनीति नहीं जानती हैं। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी को देश दे न दे, लेकिन 10 साल जो है वो केजरीवाल को दिल्ली में मिल जाएंगे अगर इस तरह का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में रहता। नहीं सर, आई थिंक यू मेड इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच आई वांट प्रोफेसर पुष्पेश पंत टू See, Kiran Bedi doesn't know politics. This was one of the things which was being spoken during this campaign, and when she joined the BJP on January 12th. On January 19th, she was declared as the chief ministerial candidate. I'm sure the BJP think tank, the people who took that decision to bring her in and then make her the chief ministerial candidate, must have thought very seriously about it. So you think that, you know, their calculation that a person who is not actually seen as a politician, it would be the best choice to take on somebody like Arvind Kejriwal. It has obviously boomeranged. But you think that it means in future people will be very wary of bringing in people who are not seen as politicians? Girish, again, I think that Kiran Bedi is a singularity. She is an exceptional person. I wouldn't agree that she doesn't know what politics is. She is a self-seeking politician. Even when she was in service, there were several people, subordinate and superiors, who held the view that she was a highly political officer, who knew what was politically correct, how to get a police medal, how to get media coverage, how to become a crybaby when you are denied the post of a commissioner of police, how to get an assignment on UN, how to get an NGO working through and encash it entirely for your individual glorification. So I'm afraid there have been accusations which taint her so-called pure image either. There have been issues like getting 2 DAs on one airline ticket, asking that I'm raising the money for a good cause of my foundation, her daughter's admission on the Mizoram quota in the medical college, the daughter giving up that anyway, seat. Those are all... Chandan Mitra is on the... Sure. Is on the open. I just want to get him before we lose him. Chandan Mitra, sir, Chandan, what do you think are the major reasons for the defeat of BJP? Analyze this as a journalist, if you like. A solo? No. No solo introspection. This will have to be a collective introspection by the party, and therefore I don't want to preclude what the party is. Let the party meet and take a collective defeat, and it will not be just a kind of a wishy-washy or superficial introspection. It will have to be a very deep-rooted self-searching. I think this will be done, and I think it will be proper to talk about it only then. Okay, Chandan, when you are saying this, do you think that this introspection which has to be undertaken by the party, which you rightly say, it should expand not just to what the issues in Delhi, but also at the central level, the central leadership, the central government, you think also should be part of the introspection, why what went wrong? You see, no introspection is done in isolation. But this was an election
इन दिल्ली. चंदन मित्रा जी माफ कीजिएगा आपको, चंदन मित्रा जी माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ मैं. अन्ना हजारे इस वक्त मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, इसके बाद आपके पास लौटेंगे. कानून बना उसका अमल नहीं कर रहा, और अभी अभी तो एक जो निर्णय ले लिया है किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल, इतना खतरनाक है किसानों के लिए, इसके कारण इनकी विश्वासार्हता कम हो रही है. इन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब जनता को, तो वो आश्वासन का पालन नहीं किया. और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था, इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है आंदोलन के कारण. आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा. इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना. क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना, सैंपल. जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा. हाँ, तो मेरी अरविंद जी से शुभकामना है, और मैं अभी अपेक्षा रखता हूँ कि वही आंदोलन, भले आप मुख्यमंत्री बन जाए, आपका मंत्रिमंडल बने, लेकिन समाज और देश के प्रति जो जो काम अच्छा आपको बुरा दिखाई देता है, आंदोलन आंदोलन का भूलना नहीं. चाहे मंत्रिमंडल बने कोने बने, लेकिन आंदोलन को भूलना नहीं. आंदोलन नहीं, इस समाज को, इस देश को उज्ज्वल भविष्य दे सकता है, ये अरविंद ने भी अनुभव किया है. तो मेरी उनसे शुभकामना है. वहाँ जाकर क्या करेंगे? अभी तुम्हारी शुभकामना हजारे को सुन रहे थे. केजरीवाल को उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और कहा कि जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया, लेकिन उन्हें अपने ही तरीके से सरकार चलानी चाहिए और आंदोलन का रास्ता भूलना नहीं चाहिए. लेकिन साथ साथ उन्होंने बीजेपी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं. चंदन मित्रा जी, आप बात कर रहे थे बीजेपी की विश्वसनीयता पर, और बीजेपी के जो हाल के 8 महीनों के कदम थे उसमें खास तौर से भूमि अधिग्रहण को लेकर जनता के बीच एक असहजता थी, उसको उन्होंने इंगित किया है. मुझे कोई टिप्पणी अन्ना जी के बारे में करना नहीं है. मैं समझता हूँ भूमि अधिग्रहण और ऐसे जो केंद्रीय कानून इस समय लंबित है राज्यसभा में, वो दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं था. दिल्ली में जो मुद्दा था वो दिल्ली कैसे चलाए जाए और दिल्ली में कौन सी सुविधाएं मिले लोगों को, और दिल्ली की खास गरीब जनता के लिए कौन क्या कर सकता है, इस पर तुलनात्मक विचार करके ही लोगों ने वोट दिया है. और मैं भी श्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं उनका. हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे वायदे उन्होंने किए हैं और ये वायदे उनको पूरा करना पड़ेगा. लोग बार बार मौका नहीं देते, उनको बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरा मौका मिला है, इस मौका उनको गंवाना नहीं चाहिए. चंदन, when you are, when the earlier question which I had asked you about how you know the results which has come out, when you talk of introspection, does that introspection have to expand to the role of the central government, the role of the central leadership of your party, not just what has happened in Delhi and the Delhi leadership? I think it's too premature to introspect the overall gamut of the central leadership, central policies and so on. The central government is doing very well. I think the policies that they have taken up and the measures are working. Even GDP is going up. I don't think that there is any need to drag the central government into the picture. I know that pathological Modi bashers are hoping that this introspection extends to Mr. Narendra Modi, but I'm sure that's totally unnecessary. Delhi has its own leadership. The Delhi's issues are very specific,
and the introspection by and large has to be about that. So you don't think the fact of the matter was that the Prime Minister was the most seen face during the elections, you know, in all your advertisements, your publicity, your banners, even on radio, everywhere it was his voice and his face which was most prominent. And still you think that, you know, he has, you can't apportion any blame to him as far as this defeat is concerned. The Prime Minister is working very hard. He came to Delhi rallies and promised that he will do whatever he can do for Delhi. But after all, it's the Delhi leadership that would have to decide what needs to be done. The Prime Minister is always there to kind of assist them. But the Prime Minister was not a candidate. Prime Minister did not offer himself for election in Delhi. So I think those who are trying to just extend it to the Prime Minister are doing it out of a political motivation, and this is not the reality. Okay. So you think that the whatever blame has to be taken by the Delhi state leadership, you know, people who led the party at the state level, and people of the central government, central party leadership which was in charge of Delhi, and none of the central leadership or the ministers or the government at the center is responsible for this. No, not a question. You can't, you know, watertight compartments don't happen. There is a parliamentary board. There were decisions were taken by the parliamentary board. So everybody, in a sense, is involved. But I think an attempt is being made in certain quarters to say Modi is guilty. Modi has done this. Modi has caused this defeat. So this is absolutely preposterous. There is no basis whatsoever. Obviously, the party as a whole will take responsibility, but the primary responsibility has to be on those who planned the Delhi campaign and those who contested the Delhi election. The plan, planning me or jo contestant who planned the Delhi, who planned the Delhi campaign, Chandan? Who planned the Delhi campaign? Wasn't it the national leadership which planned the Delhi campaign? You know as well as I do. And there is a parliamentary board. Nobody in the BJP, nobody takes an individual decision. You know that very well. I am only saying that this pernicious attempt to direct everything to Mr. Narendra Modi, when he is not responsible for how the Delhi election was conducted, is, I don't know. So those people who have been totally stung by Mr. Modi's success in May 2014, they are trying to extract revenge, and this will not be accepted by the people. Chandan Mitra ji, ek sawal main bas puchna chahti hoon. Kya Kiran Bedi ko mukhyamantri pad ka umidwar banana BJP ki chook rahi? Aap log mante hain ya nahi? Ji, mera vyaktigat manne na manne se kuch farak nahi padta. Party ne sab milke, party ke parliamentary board ne और दिल्ली के लिए जो रणनीति बनाने का की जिम्मेदारी जिनके पास थी, उन्होंने मिलके ये फैसला किया. मेरे ख्याल से किरण बेदी कोई खराब कैंडिडेट नहीं थी मुख्यमंत्री पद के लिए. उनका अनुभव था, वो दिल्ली के जनता से परिचित थी. लेकिन ठीक है, लेकिन उनके आने के बाद जो आपकी ट्रेडिशनल सीट थी, खासतौर से कृष्णा नगर जिसे आप लोग कभी नहीं हारे थे, वो सीट भी आप हार गए. जगदीश मुखी का सीट जो जिसको कभी नहीं हारा वो भी हार गए. क्या कहेंगे आप? देखिए, वो अलग अलग सीट में अलग अलग डायनेमिक्स होता है, उसको ध्यान में देना पड़ेगा. लेकिन हाँ, वाकई कृष्णा नगर हार जाएंगे ये मैंने सोचा नहीं था. तो इससे कहीं पर बीजेपी वर्कर और बीजेपी के कैंडिडेट्स में कई जगह जगदीश मुखी जी के इसमें, किरण बेदी जी के क्षेत्र में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, जिसको हमें अध्ययन करना है, आत्ममंथन करना है. लेकिन जीत के बारे में कुछ सोचा था? कितनी सीटें और कहां कहां से आप लोग जीत रहे हैं? आपने कहा कि कृष्णा नगर हार जाएंगे, ये सोचा नहीं था? जीत तो देखिए, नहीं, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और ये तो लगने लगा था कि कांटे का टक्कर है और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है. अब कौन कौन से सीट हारेंगे, कौन जीतेंगे, इस तरीके से कोई, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई विश्लेषण नहीं किया गया था. लेकिन जो ट्रेडिशनल सीट्स हैं, वो हमें हारना नहीं चाहिए था.
हम क्यों हारे, बाकी मेरे पास कोई उत्तर है नहीं, अब किसी के पास है तो उनसे पूछिए आप। एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ चंदन मित्रा जी, अभी जो इलेक्शन कमीशन के डेटा बता रहे हैं उसमें 2 सीटें आप लोग जीते हैं और 1 पर लीड कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 3 सीटें, 70 में से 3 सीटें। आपने कहा कि पॉलिसीज जो अब तक 8 महीने में केंद्र सरकार बनाती रही है उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो आउटर दिल्ली का एरिया है तकरीबन 18-19 सीट रूरल एरिया में संभवतः आती है और उसमें भी आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्या आप उन पॉलिसीज के लिए, उन तमाम रणनीति के लिए अपनी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी? पॉलिसीज तो अभी तक लागू ही नहीं है। आपने भूमि अधिग्रहण की बात की, भूमि अधिग्रहण का अभी तक तो अध्यादेश भी आया है, अभी तक तो भूमि पर चर्चा भी नहीं हुआ है। हाँ, अध्यादेश चर्चा तो सदन में अभी तक हुई नहीं है और मैं नहीं समझता इसको लेके कोई राज्य का चुनाव, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहां भी किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां भी कोई राजनीतिक फॉलोआउट अभी तक देखने को नहीं मिला। इसीलिए मैं नहीं मानता कि 2-4 अध्यादेश आ जाने से, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव से दिल्ली का चुनाव इन्फ्लुएंस हुआ होगा, इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ा होगा, 1-2% पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन इसका कोई इनको प्राइमरी कॉज, प्राथमिक कारण नहीं माना जा सकता। तो प्राथमिक कारण क्या है? आपके प्रभावशाली नेता भी फेल हो गए, आप कह रहे हैं आपकी पॉलिसी भी गलत नहीं थी, तो फिर प्राथमिक कारण, प्राइमरी रीजंस क्या हैं आपके हार के, आप लोग क्या विश्लेषण कर रहे हैं? देखिए, शुरू में ही मैंने कहा कि इस पर एक सम्मिलित आत्ममंथन हम करेंगे, पार्टी इंट्रोस्पेक्शन, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन करेगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि लोग इस बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को देखना चाहते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। अब क्यों चाहते थे, क्या केमिस्ट्री रही, ये अभी तक विश्लेषण करने का समय नहीं आया जी। लेकिन ये स्पष्ट है लोगों का रुझान एकदम, वो चाहते थे कि एक मौका दिया है, वो मौका अधूरा रह गया, तो चलो एक मौका और दे देते हैं और छप्पड़ फाड़ के मौका देते हैं ताकि केजरीवाल जी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहे, कोई बहाना नहीं रहे कि इन्होंने मुझे रोक दिया, ये काम मैं कर नहीं पाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये सब कहने का कोई मौका नहीं हो। आपको 2/3, 3/4 सीटों से जिता दो इसको, वो अब फिर देखते हैं क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो उल्टी बाजी पड़ेगी अगले चुनाव में। ओके चंदन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर ऑल दोस इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच यू हैव सेड। Professor Pushpesh Pant, how do you look at this? You know, it will be very interesting in the coming days how the BJP will look at this, will try to give a twist to this whole results. One of it, earlier, one of the BJP spokespersons who was on our channel earlier was pointing out, and rightly so, actually, that their vote percentage has not come down if you compare it with 2013 elections. It's only when you compare it with the 2014 Lok Sabha elections, they have lost quite a bit of percentage of votes. But as far as 2013 is concerned, they have not lost any votes. It's just that the Aam Aadmi Party has taken away a lot, nearly 15% of the Congress votes, which has resulted in this result. Now, Girish, I think it's a very interesting case. If you use the cricket metaphor, whatever spin the BJP wants to put on this, the pitch does not favor spin bowling at all. It is totally different. That's number one. Number two, what I would like to say is Chandan's responses are very measured, balanced, because a bit of his professional journalist is still there. Now, unfortunately, he cannot admit what went wrong, but he admits that certain things went wrong for which they have no answers. So even if you exclude Mr. Modi, how can you exclude Amit Shah, the national president, from decisions of the campaign? How do you exclude ministers like Jaitley Saab, who were directly involved? Now, unfortunately, somebody was responsible for handpicking Kiran Bedi and putting her as a scapegoat or as an insurance policy. Now, unfortunately, these questions will remain. How long is BJP going to say this was a municipal election and the national election and the international issues are different? So, the negative campaign is there. The larger-than-life image projection of Arvind Kejriwal is there. And I think you must say this is not all negative votes adding up for the victory of AAP. The way the landslide, tsunami, avalanche, call it what you may,
साफ है कि दिल्ली के लोग चाहते थे आम आदमी पार्टी को ही. सो इट वाज अ पॉजिटिव वोट. इट यू आर सेइंग दैट इट इज अ पॉजिटिव वोट फॉर द आम आदमी पार्टी. संजय, वुड यू आल्सो लुक एट इट दैट वे? या, इट्स अ पॉजिटिव वोट कंबाइंड विद डिग्री ऑफ नेगेटिव वोट, बट लार्जली इट्स अ पॉजिटिव वोट. अदरवाइज यू कांट गेट टू विन दीज नंबर ऑफ सीट्स, 95% ऑफ सीट्स. This is a huge, unprecedented. 180 डिग्री का टर्नआउट हुआ. सातों सीटें कहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संसदीय सीटें जीती थी और तकरीबन 60% से भी ज्यादा, 60 सीटों से भी ज्यादा पर उसकी बढ़त थी. आज स्थिति यह है कि सिर्फ 3 सीटें जीतती हुई. देखिए, जैसे बिहार का एक चमत्कारी रिजल्ट हुआ था 2010 में, ये उससे भी आगे है. लोग एक पॉजिटिव आकांक्षाओं का ये वोट है. लोग का जुड़ाव उस नेता और उस पार्टी से है. बहुत सारी चीजें बीजेपी की गलत हुई, चंदन मित्रा जिन चीजों को. लेकिन ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी साइन नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने पूरी पूरी बीजेपी पे भरोसा जताते हुए सातों लोकसभा सीटें बीजेपी को दे दी, दूसरी तरफ वो विधानसभा में पूरी पूरी सीटें आम आदमी पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं. देखिए अमृता, एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आप अगर चुनाव के कैंपेन के दरमियान से लेकर के आज के रिजल्ट तक देखेंगे तो नरेंद्र मोदी में भी वो आकांक्षाओं का वोट था. उनके साथ भी जनता का जुड़ाव वो आया था. तो क्या वो आकांक्षाएं अब खत्म हो गई, नई आकांक्षाएं पैदा हो गई? ये जो वोट है, मैं ये मानता हूं कि नॉट सो मच जो केंद्र सरकार का जो काम है उसके प्रति अब कोई रोष से ज्यादा ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है बीजेपी की कि किसी को भी ले आओ उठा दो, हम जिसे चाहेंगे उसे बना देंगे, कार्यकर्ता रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, हम दूसरे लोग को बाहर से ले आकर के चुनाव लड़वा लेंगे. ये किरण बेदी की हार कृष्णानगर इन पर्टिकुलर और बाकी जगह जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है. जनता ने ये कहा आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपको हमने समय 5 साल का दिया है, शायद आप सही हैं. संजय, सॉरी, आई वांट नो ओम तन्वी जी, दिस फिकल माइंडेडनेस ऑफ द वोटर एट इन 8 or 9 months, as Amrita was rightly pointing out, they swing one way, in 9 months they swing exactly the other way. This kind of fickle-mindedness of the voters must be a cause for serious concern for all political parties. No, first in assembly elections there was no swing in this. I'm talking of the Lok Sabha elections right now. Lok Sabha, of course, Lok Sabha is always, you know, different with the assembly elections. But yes, it's a matter of concern that there is no opposition, you know. And if there is no opposition, there could be, you know, after all, there are good people with Kejriwal, but you never know, you know, the arrogance and things when you come into power. So there should be some significant opposition. But as I said earlier, and I compared with the emergency, why, you know, this is some kind of campaign, you know, some kind of andolan, as it was in Sampurna Kranti kind of thing in those days. So this is, you know, माफ कीजिएगा ओम थानवी जी, इस समय मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया से मुखातिब हैं. हम सीधे सरकार, महंगाई कम करने वाली सरकार, एजुकेशन हेल्थ को लेके एक विजन रखने वाली सरकार का उन्होंने स्वरूप देख लिया और ये मान लिया कि आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस आती है. तो इस बार जिस तरह से सपोर्ट किया है, 67 सीटों पर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नाम जा रही है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी घटना भारत की राजनीति के इतिहास में नहीं होगी. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जीत नहीं, ये भरोसा है, ये जश्न का नहीं, अब काम करने का समय है. जितने हमने बातें अपने मैनिफेस्टो में कही हैं, जितनी बातें हमने अपने डेली डायलॉग में कही हैं, उन सबको सच करने का समय है. जब हम वो करने लगेंगे तब जश्न मनाएंगे. जब हम दिल्ली में महंगाई कम कर देंगे, रिश्वतखोरी कम कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर देंगे, हम देंगे, नए कॉलेज खुलने लगेंगे, तब जश्न मनाएंगे. अभी इसको बहुत गरिमा के साथ, जैसा कि आम आदमी पार्टी करती रही है, उसके साथ मनाएं, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, बहुत सभ्यता के साथ, बहुत अदब के साथ, बहुत प्रेम के साथ, जो प्यार लोगों ने दिया है उस पर खड़े उतरना है. मैं तमाम कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के ये कहना चाहूंगा. आज ही बड़ी जीत है लेकिन बीजेपी की बड़ी हार भी है, क्या हार जिम्मेदार? बीजेपी के साथ समस्या है कि दिल्ली के लिए उसके पास ना तो कोई प्लान था और ना लीडरशिप थी. हम बार बार ये कहते थे कि वो कोई दिल्ली के लिए प्लान तो लेके आए, दिल्ली के लिए डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे उसमें सुधार आएगा जीवन दशा में, इसके लिए कोई प्लान तो लेके आए. वो प्लान नहीं लेके आए, वो बार बार हमें गाली गलौज करते रहे, वो बार बार हमें
बुरा भला कहते रहे, पर खैर ठीक है, चुनाव खत्म, जो कहा किया वो अलग हो गया। मनीष, लेकिन अब जिस तरीके से मैंडेट दिया है गवर्नमेंट को आपकी, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार जो कह रहे थे कि 7 में से 7 सीटें दिल्ली ने हमें दी थी, अब दिल्ली के मन की बात है, दिल्ली की जो कहेगा वही देश की बात है, क्या वही बात जुमला नहीं होता? दिल्ली के लोगों ने राजनीति बदली है, बहुत ईमानदारी की जीत है, और बेईमानी हारेगी, हमेशा हारेगी, और हमें पूरा भरोसा था हारेगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और पटपड़गंज सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, 67,505 वोट से उन्होंने चुनाव जीता है। उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाद में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उन्हें 39,691 वोट हासिल हुए। और मीडिया से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, लेकिन जश्न मनाने का वक्त ये नहीं है, जश्न तब मनाया जाएगा जब वादे पूरे किए जाएंगे। ओम थानवी जी, मैं जो बात पहले कह रहा था कि ये तो ठीक है, निकम जी ने बिल्कुल उचित बात कही कि जितना मैंडेट लोगों ने दिया है डेमोक्रेसी में, कई बार वो खतरा भी साबित होता है, बस इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए वो सारा आक्रामक जो कैंपेन बीजेपी ने किया, वरना लोग ठीक है, इस दफा वो आग के साथ जाते, ऐसा माहौल जो लोग देख रहे हैं गौर से वो पहचान सकते थे कि लोग इस बार अब भाजपा को कम से कम दिल्ली में मौका नहीं देंगे। लेकिन कई संदेश उन्होंने एक साथ दिए, और मोदी जी को भी संदेश दिया कि आप अब कुछ करके दिखाइए, कई तरह के संदेश हैं। लेकिन ये ठीक है कि थोड़ा अगर विपक्ष भी रहता है तो लोकतंत्र में अच्छी बात रहती है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब आपके ऊपर जो है ओनस है, अब आप किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, किस तरह से आप काम करके दिखाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पहले दिन से भाजपा वाले आपको कोसना शुरू कर देंगे शाम को ही कि आपने कहा था सरकार बनती है हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में अब उनको सचमुच काम में जुट जाना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर आनंद कह रहे थे कि एक क्षण भी गंवाना जो है वो हमारे लिए महंगा होगा, अगर ये जज्बा उनका बना रहता है जो अभी जाहिर होता है, तो मेरे ख्याल में जज्बात का वक्त है। हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनु दीवान इस मौजूद हैं। अनु, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हैं, किस तरह की, हालांकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो निकल कर आकर कह रहे हैं कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, जिम्मेदारी समझने का है, लेकिन क्या देख पा रही हैं आप वहाँ पार्टी दफ्तर में? अमृता, जिस तरह नेता कह रहे हैं कि वक्त जश्न मनाने का नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह इस समय पे पूरा लोगों का हुजूम है जो इस समय जश्न मना रहा है, और ये जश्न अभी से नहीं, सुबह 4 बजे से इसी तरह से मनाया जा रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं यकीन था कि उनको बहुमत तो मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें आएंगी ये किसी को नहीं पता था। और इसी के साथ पूरा आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर पटेल नगर रोड है वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है, और काफी जोरों शोरों से गाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। फिलहाल मैं अभी दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन इस समय भी अगर आप देखें दफ्तर के पूरा पटेल नगर इलाका जो है आम आदमी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। ओके अनु, थैंक्स फॉर दैट प्रोफेसर पंत। यू नो वी हैव टू रैप अप नाउ। Finally, you think that listening to all these Aam Aadmi Party leaders now in the last half an hour, 1 hour or 2 hours that things have become clear, you think that they have realized what their responsibilities are? I think it's much more important, rather than their realizing what their responsibility is, that the voter of Delhi realizes what their ground reality is. The constitutional provisions have not changed overnight. Delhi is not yet a state. Delhi continues to be a union territory. What Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party can do is severely restricted. The law and order remains with the Home Ministry. The DDA remains with the Urban Development Ministry. The three municipal corporations are controlled by the BJP. And various other things like supply of water. Now already the Chief Minister of Haryana has started stating ki Dilli walo mere bharose mat rehna, meri state ke alawa pani ka bandobast kar lo. So I think what Mr. Kejriwal is expected to deliver should be realistically tempered by the people who have entrusted him with this responsibility. There are very many slips between the cup and the lip still. Okay, that's very interesting. Sanjay, both of you, you think that people Professor Pant is hoping that the people will temper their expectations. Will that something like that happen? I think Professor Pant thinks that people are that rational, which I am afraid they would not be.
Because in this case, aspirations of the people, the faith that they have imposed in Arvind Kejriwal is so tremendous. 95% of seats going to Arvind Kejriwal. इस समय जो ताजा रिजल्ट आ रही है, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को और सिर्फ 3 सीट बीजेपी को हासिल हुई है. इसमें जो उम्मीदों का जो पहाड़ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो आस्था और विश्वास है, ये वोट नहीं है, ये विश्वास है. जो वो कह रहे थे कि ये विश्वास है, इसको कैसे उस जोत को जगाए रखें, कहां तक पहुंचे और क्या क्या डिलीवर करें, क्योंकि प्रॉमिसेस इतनी सारी हैं. हर आदमी अपने लिए इस सरकार में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होगा. वो करप्शन से लेकर के पानी से लेकर के फ्री वाईफाई से लेकर के वो तमाम स्कूल कॉलेजेस अस्पताल, वो हर कुछ वो होगा. और उसके बाद वो जो आकांक्षाएँ हैं, और जैसा वो पंत साहब कह रहे थे कि देखिए हाफ स्टेट है, ये सारी चीज़ें केंद्र के साथ है, तो केंद्र के साथ कोऑपरेशन एक अच्छी शुरुआत में देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो काफ़ी मच्योर बातें कर रहे हैं. अभी जो सुबह में नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट करके या फ़ोन करके जो भी बधाई दी और उसके बाद उन्होंने भी मिलने का स्वीकार किया है, तो अगर ये कोऑपरेशन होता है केंद्र और इसमें, ये एक अच्छी चीज़ होगी. वी विल हैव टू वेट एंड सी इफ दिस सेंस ऑफ कोऑपरेशन विल कैरी ऑन फॉर we'll wait for that. But meanwhile, our colleague who is there, Akhilesh Suman is there in at Dwarka. Akhilesh, what is the mood there, and you know, what were the expectations there, and are people happy about the kind of results which have come? Akhilesh? Yes, Girish, actually it is very interesting that in Dwarka sector, the whole southwest sector, there were 8 seats and all 8 seats are going to Aam Aadmi Party. On one seat, there was some lead to INLD, but it also went to Aam Aadmi Party in the wind. Yeah. So I talked to the people, I talked to the common people, and everybody wants that they need a corruption-free governance, and they need a price, they need reducing the price. So this is the two issue, that is what people were feeling the pinch for last 9 months. And they tell that if Arvind Kejriwal is coming, we want that guarantee should be given that the prices should come down, because the prices were going up and up and up, and BJP was behaving like an arrogant nut, and it was not ready to hear what people want. It was just moving with the corporate giants. It was talking to the American, the Chinese, everything, as if the Delhi is just for foreign policy and Delhi is not for local policy. So people clearly told that we want a government that lives for Delhi, that thinks for Delhi, and that also wants to solve the problems that Delhi people are facing. Greece, it is also a middle class area. You see the lots of apartments here in this area, and the middle class and even some upper middle class people. Everyone is feeling that yes, we, in the Lok Sabha election, we had expectations from Narendra Modi that trickle down effect will come down, but we are seeing that nothing is coming down. And very interestingly, I will tell you that I talked to the policemen. Policemen, I talked to whether you are going to be losing something from this. The policeman told that it is not the issue. Our family members want that we need a government. We need a government that gives some relief from the corruption and price rise. So you can understand that even the government employee, the middle class, and the lower class has many expectations from this government. Okay. And they are telling that we think. I took out the cap of one Aam Aadmi Party worker. And I told you that now you are the Aam Aadmi Party. Now you told what you expect. And he told me that I expect from Arvind Kejriwal all these things should be solved. Okay, Akhilesh, okay, thanks for joining us and giving us that perspective. It's very interesting. Very quickly, all three of you, corruption, price rise. These are the two issues which are there in the minds of the people. And Kejriwal and his government will have to show something on the ground very quickly on these two issues. And they have shown also, you know, in the last regime for 49 days, I think they did things very, very accurately and correctly, and people were happy, and that the mandate translates this into the votes. Secondly, Kiran Bedi's policy, you know, in an interview she said that these things, they are on her priority, are on 7th or 8th number, you know. So women's security, etc. She had her own agenda. So I think people have endorsed Kejriwal's priorities. Now they have to perform. For these two issues, Professor Pant, these are the two issues. You think that as far as corruption and price rise are concerned, these are issues which, as far as for Kejriwal, these
he will be able to tackle this quite effectively. This will remain his priority, and I still would be probably in a minority, but I would insist that his delivering on this front is not as important as the perception of the people, right, that he is trying his best and he is not being allowed to uproot corruption or reduce mehengai. Sanjay? See, petty corruption has always been Aam Aadmi's plank. So therefore, in that area, I think they would be successful. Price rise, it's a joint effort of the center and of the state. On prices front, luckily, both for the center and for the state, some price index has declined. But more than that, the kind of aspirations that people have with Kejriwal. Say if you go to a hospital, government hospital, health is another area where Kejriwal can make a big impact. Schools are another area where Kejriwal can make big impact. These are areas where people would actually... And in these issues, he need not depend too much on the central government or central government's help for these things. Precisely. These are the areas where he can actually make impact. Somebody goes to Loknayak Jayaprakash Hospital and gets a better treatment than he was getting previously, then obviously the message goes. And therefore, these are the areas where he can actually, if he goes into those areas, ki naye school or colleges banane hai, whereas if he can make an improvement in the existing ones, he would have won his first war there or victory there and gone to minds of people, those who have expressed faith in him. लेकिन संजय ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार भले ही 5 साल के लिए चुनके आई केंद्र में, लेकिन 9 महीने बाद लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया. केजरीवाल को कितने दिन लोग देंगे, क्योंकि 67 सीट्स अगर दिए हैं तो जनता का भरोसा आप देख रहे हैं, अपरंपार भरोसा आप है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. नरेंद्र मोदी के साथ भी जो प्रॉब्लम है वही है कि आकांक्षाओं का इतना बड़ा वो पहाड़ था और चुनौतियां इतनी थी, तो इसलिए आपको नापने का मापदंड जो है वो काफी टाइट होगा. वो आपको बाकी लीडर्स की तरह नहीं नापा जा सकता कि ठीक है 5 साल दिए बड़े आराम से काम होंगे. वो मापदंड काफी टाइट है, उस मापदंड में इनको काम करना जो है और लोगों के उस पे खरा उतना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सामने आने वाला चैलेंज ये चुनाव जिस तरह जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा वो चैलेंज है. हनीमून पीरियड, प्रोफेसर पंत, हनीमून पीरियड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हनीमून पीरियड इज, कैन वी से द सेंट्रल गवर्नमेंट हनीमून पीरियड इज ओवर विद द रिजल्ट्स व्हिच वी सी टुडे, और आर इज इट टू मच for us to connect these two things? I am one of those who believe that honeymoon is really insignificant in a matrimonial affair. I think you get used to living with the partners whom you don't actually love long after love is dead. So what applies to the honeymoon with center applies to the honeymoon you found with Mr. Kejriwal also. Okay, so the honeymoon period for Kejriwal and the honeymoon period for the central government. We will discuss all these things. I'm sure people will be discussing all these things. I'm sure Kejriwal will have a couple of months of honeymoon period at least before people will start asking questions to him. The overwhelming majority which has been given, as all the Aam Aadmi Party leaders themselves, including Mr. Kejriwal, Professor Anand Kumar, who all have said that, you know, it's a huge responsibility. This जी, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जश्न से ज्यादा जिम्मेदारी समझने का वक्त है, और जब जिम्मेदारी पूरी होगी तब जश्न मनाया जाएगा. इसी नोट के साथ इस चर्चा को फिलहाल यहाँ पर विराम देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं. हालांकि राज्यसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. धन्यवाद.